महाकाल की नगरी उज्जैन की खास खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। जी हाँ, उज्जैन से ये खास खबर शिप्रा नदी के बारे में। उज्जैन महाकाल की नगरी से होकर गुजरने वाली शिप्रा नदी हो रही है गंदगी का शिकार। शिप्रा नदी के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन करने से जीवन धन्य हो जाता है, लेकिन पवित्र कहलाने वाली शिप्रा नदी की हालत देखी, इसमें सीवर नाले का गंदा पानी नदी में जाता नजर आ रहा है। लाखों लीटर गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। बाहर से दर्शन करने आए लोग भी इससे नाराज हैं और गुस्साए हुए हैं। जैसे ही इसकी खबर कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार को लगी तो वो फौरन पहुंच गए नदी में और नदी के गंदे पानी के बीच डुबकी लगाई। साथ ही साथ भाजपा पर सख्त सवाल भी खड़ा किया। सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी ही नहीं बल्कि यहाँ के साधु संत और दर्शन करने आने वाले मेहमान भी इससे खासे परेशान हैं और नगर निगम पर भी इस दौरान सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद लोगों की जुबानी सुनिए शिप्रा नदी की हालत और गुस्साए हालात। जिला ब्यूरो चीफ सऊद खान की खास रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं कि इतना गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है कि आज हमारे पूजन कार्य करने वाले यात्रियों ने भी सब पूजन पाठ छोड़ के भाग चुके हैं। अपने हिंदू सनातन धर्म में नदियों का बहुत महत्व है, शिप्रा को मोक्षदायिनी माना जाता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। सीवर लाइन टूटी हुई है, उसका गंदा पानी नदी में जा रहा है। सरासर हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये, तो इस नगर निगम और जो भी तत्कालीन प्रशासनिक जिम्मेदारी लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए।